Assalamu alaikum, respected students. So today we will talk about the articles in order to write and speak correct English. It is important the student should master in the use of definite and indefinite articles. Generally, speaking, student commit the following type of mistakes. First of all, they do not put the definite article which is required and put the definite article which is not required. सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल्स के बारे में, और आर्टिकल्स जो है वो एसेंशियल पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर है, और स्टूडेंट वहाँ पर मिस्टेक कमिट करते हैं जहाँ पर आर्टिकल्स लगते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाते, और जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर नहीं लगाते. सो टुडे इन दिस लेसन इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल डिस्कस द 15 रूल्स ऑफ यूजिंग डिफिनेट आर्टिकल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the article. What is article? The word article is derived from the Latin word articulus. ye article word jo hai ye articulus word latini zuban se nikla hai, jiski meaning hai a joint, limb, member or part. ek part, fragment mean ek hissa bhi isko hum consider karte hain. सर्टन ग्रामेरियन कहते हैं कि इट इज़ अ सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच. ये इसे हम 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंसिडर करते हैं, लेकिन कुछ जो है इसको एडजेक्टिव के टाइप्स में भी इंक्लूड करते हैं, तो इसे बिना पे ये मॉडिफायर्स के पार्ट्स में आते हैं. सो व्हाट आर आर्टिकल्स? आर्टिकल्स हमारे साथ क्या है? वी हैव टू आर्टिकल्स इन इंग्लिश. वन इज डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल जो है सिर्फ द है, और इनडिफिनिट आर्टिकल वो हमारे साथ ए, एन, एन है. तो ये इस प्रेजेंटेशन में हम डिफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, जो हमारे साथ 15 रूल्स फॉर यूसेज ऑफ डिफिनिट आर्टिकल्स हैं इसके यूसेज के बारे में. फर्स्ट रूल ये है कि द डिफिनिट आर्टिकल इज यूज व्हेन वी विश टू पर्टिकुलराइज अ नाउन, दैट इज व्हेन वी विश टू डिस्टिंग्विश अ पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम अ मेंबर ऑफ सिमिलर थिंग. जब हम किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं? डिफिनिट आर्टिकल. मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं बॉयज़ में स्पेसिफिक बॉय की, हम कहते हैं द बॉय हु इज़ प्लेइंग आउटसाइड, तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक बॉय की बात कर रहे हैं. सिमिलरली इफ यू पर्टिकुलराइज द डॉग कवर्ड मड इज़ द डॉग ऑफ अहमद, तो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं. हाँ, कुत्ते बहुत है, लेकिन उसमें से स्पेसिफिक डॉग की बात करते हैं. अगर किंग की बात करते हैं, पर्टिकुलराइज करते हैं, तो हम स्पेसिफिक किंग की बात कर रहे हैं. तो जब हम द किंग सेड टू द गार्डनर आई लाइक दिस फ्लावर, सो हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक किंग. नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, सेकेंड रूल है हमारे साथ, द डिफिनिट आर्टिकल इज प्लेस बिफोर अ कॉमन नाउन दैट इज हैज बीन मेंशन बिफोर. और डेफिनेट आर्टिकल जो एक सेंटेंस में पहले ही मेंशन की गई हो तो वहाँ पर उसको इंडिकेट करने के लिए हम द लगाएंगे. सपोज अ बिगर वेंट टू अ माइजर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव हिम अ पीस. द माइजर सेड टू द बिगर, गेट आउट, आई विल नॉट गिव एनीथिंग. एट दिस द बिगर बिगन टू कर्स द मेजर. इन दिस एग्जाम्पल द इज प्लेस बिफोर द वर्ड्स मेजर एंड बिगर बिकॉज दे हैव बीन मेंशन बिफोर. अब देखिए, अब बिगर स्टार्टअप द सेंटेंस में आया है, और नेक्स्ट जो है अब द बिगर दोबारा जो मेंशन की गई है यहाँ पर द लगाया गया है, और दोबारा जो इन्वर्टेड कॉमास में सेंटेंस इनक्लोज की गई है तो द मेजर के साथ भी आया है. नेक्स्ट जो है रूल नंबर थर्ड, यूज द बिफोर अ कॉमन नाउन व्हेन द नाउन इज यूज टू इंडिकेट अ क्लास. थर्ड रूल ये है कि जब हम एक कॉमन नाउन इस्तेमाल करते हैं और वो जनरली इंडिकेट अ क्लास को करते हैं. सपोज हम फॉर इंस्टेंस वन बर्ड मे बी मेड ऑफ टू रिप्रेजेंट द एंटायर क्लास, और वन एनिमल दैट इज रिप्रेजेंट द एंटायर स्पीशीज. सपोज मैं आपको एक एनिमल के बारे में बता देता हूँ, तो जब वो एक जनरल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. तो डॉग जो है वो सारे क्लास यानी स्पीशी को रिप्रेजेंट करे, डॉग जो
क्लास है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। या दूसरी भी हम एग्जांपल देता हूँ, द लॉयन इज़ अ नोबल बीस्ट, या द केट इज़ अ डोमेस्टिक पीट, डोमेस्टिक पिट। तो यहाँ पर आप देखिए ना, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो ये हाँ, एक डॉग के बाद सारे डॉग्स के बारे में बात बात करते हैं कि ये फेथफुल होते हैं। नेक्स्ट जो है, यूज़ आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर्स। जितने भी रिवर्स होते हैं, मतलब के जिस तरह द रिवर एंडस है, द रिवर रावी, जो जिससे ट्रिब्यूटरीज निकलते हैं, तो इसको इसके लिए हम द आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट जो है हम यूज़ करेंगे, यूज़ बिफोर द नेम्स ऑफ द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम दी आर्टिकल लगाएंगे। जिस तरह द ईस्ट इंडियंस आयरलैंड है, द एंडमैन आइलैंड्स हैं, तो इससे पहले हम जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होंगे तो वहाँ पर द आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट जो है कॉमन मिस्टेक, इसमें हम ये भी करते हैं कि द इज़ हावर नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द इंडिविजुअल आइलैंड। जब हम इंडिविजुअल आइलैंड की बात करते हैं, जिस तरह आयरलैंड है, इंग्लैंड है, साइलैंड है, तो साइलोन है, ये इस तरह के जो सेपरेट सेपरेट होंगे, तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट जो है, यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ द रेंज ऑफ द माउंटेंस। जब सिलसिलों की बात करते हैं, पहाड़ी सिलसिलों के बारे में, तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल लगाएंगे। जिस तरह द एलप्स है, द हिमालयस है, तो ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं, तो वहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल ज़रूर लगाएंगे। जब सेपरेट, एक कॉमन मिस्टेक हम ये करते हैं कि द इज़ हावर नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द इंडिविजुअल माउंटेन। दिस इज रॉन्ग टू से द माउंट एवरेस्ट। जब हम एक सेपरेट पहाड़ की बात करते हैं, द माउंट एवरेस्ट या द केटू एट्सेट्रा, तो वहाँ पर द लगाना गलत होगा, कंसिडर होगा। नेक्स्ट जो है हम, रूल नंबर 7, द इज प्लेस बिफोर द नेम्स ऑफ द ओशंस, सीज, बेज एंड गल्फ्स। जो सीज की बात करते हैं, समंदरों के जितने नाम हैं, खलीज के, तो वहाँ पर भी हम द आर्टिकल लगाएंगे, द इंडियन ओशन, द मेडिटेरियन सी, द बे ऑफ बंगाल, द पर्शियन गल्फ, तो यहाँ पर भी हम द आर्टिकल लगाएंगे। तो स्टूडेंट, यहीं पर आपने मिस्टेक नहीं करनी। रूल नंबर 8, वी हैव, ज़्यादातर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, मेंशनिंग द होली कुरान, तो वहाँ पर द आर्टिकल नहीं लगाते। तो रूल नंबर 8 में है, द इज़ यूजुअली प्लेस बिफोर द प्रॉपर नेम्स ऑफ बुक्स। जो प्रॉपर नेम्स ऑफ बुक है, जिस तरह द होली कुरान है, द बाइबल है, द महाभारत है, महाभारत, तो ये इससे पहले हम द आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट जो हम कॉमन मिस्टेक इसमें भी करते हैं कि जब व्हेन वी बिटवीन इफ वी इफ अ बुक इज़ कॉल्ड आफ्टर इट्स ऑथर, द आर्टिकल इज़ नॉट यूज एज। जिस तरह हम कहते हैं आई हैव रीड शेक्सपियर, तो इस वाली सेंटेंस में आप देखिए कि आई हैव रीड शेक्सपियर, तो शेक्सपियर के वर्क की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल हम नहीं लगाएंगे। रूल नंबर 9, दर इज़ प्लेस बिफोर द सर्टेन थिंग्स विच इज़ आर यूनिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, नेचर में यूनिक हो, जिस तरह द मून, द स्काई, द अर्थ, तो वहाँ पर भी द आर्टिकल आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है रूल नंबर 10, वी हैव, द इज यू प्लेस बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। जब एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं, तो वहाँ पर हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हमने यूज़ की है, बेस्ट। शी इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, क्लेवरेस्ट, क्लेवरेस्ट से पहले हमने द आर्टिकल लगाई है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री आएंगे, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे, डेफिनेट द आर्टिकल लगाएंगे। रूल नंबर 11, वी हैव, द इज प्लेस बिफोर द नेम्स ऑफ द सर्टेन न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन। मैगजीन और न्यूज़पेपर्स से पहले भी हम लगाएंगे, जैसे द पाकिस्तान टाइम है, द डेली डॉन है, द ट्रिब्यून है, द स्टेटमेंट है, द टाइम्स है, तो इससे पहले हम द आर्टिकल लगाएंगे। रूल नंबर 13, द इज प्लेस बिफोर द वर्ड पंजाब। पंजाब जो वर्ड है, इससे पहले हम लगाएंगे, बिकॉज इट इज़ द मीनिंग नेम, वी मस्ट से द पंजाब नॉट पंजाब। पंजाब वर्ड से पहले हम द लगाएंगे, क्योंकि मीनिंगफुल नेम है।
Rule number 13, this place before the adjective used as a noun in the plural sense. For example, हम बात करते हैं कि द एज एडजेक्टिव के तौर पर जब यूज़ की जाती है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, नाउन की तरह यूज़ की जाती है जो एडजेक्टिव, तो वहाँ पर हम द आर्टिकल लगाएंगे. द पुअर आर जनरली गॉड फेयरिंग, गॉड फेयरिंग. तो यहाँ पर द पुअर, पुअर से पहले हमने क्या लगाया, आर्टिकल लगाया. द पुअर मीन्स द पुअर पीपल. रिमेंबर दैट द पुअर इज करेक्ट एक्सप्रेशन. द पुअर्स आर पुअर इज नॉट करेक्ट. अब नेक्स्ट जो है, द इज यूज इन सच सेंटेंस एज द, वहाँ पर भी यूज की जाती है जिस तरह एक्सप्रेशन वाले सेंटेंसेस है. द सूनर यू गो द बेटर इट इज, द फास्टर द बेटर. तो ऐसे जब स्टेटमेंट होते हैं तो वहाँ पर भी हम द आर्टिकल लगाते हैं. जिस तरह इससे पहले भी हमारे जो प्रोवर्ब है, द नियर द चर्च द फादर फ्रॉम द गार्ड, तो यहाँ पर भी हम इस प्रोवर्ब्स में भी हम द लगाते हैं. रूल नंबर 15 जो लास्ट वन है, तो वहाँ पर हम लगाएंगे व्हेन द आइडोमेटिकली लाइक एन प्रॉपर नेम टू अनदर आर यूज इट एज अ कॉमन नाउन. लाइक कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. जब हम आइडोमेटिकली एक शख्सियत का नाम देते हैं, जैसे कालिदास जो है वो इंडिया का एक ड्रामाटिस्ट था, प्ले राइटर था और पोइट था, तो उसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहते हैं. जैसे स्वात इज द स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान. तो वैसे कंट्री से पहले तो हम द नहीं लगाते, यहाँ पर द इसलिए लगाया है तो इंडिकेशन के लिए हमने लगाया है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द where we do not use the end the definite articles. तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि डिफिनेट आर्टिकल कहाँ पर यूज़ नहीं की जाएंगी.